जय नासिंह गुरु की। दोस्तों तो स्वागत करती हूँ आपके अपने नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, तो अपना काम करके गोबर वोबर निकाल के अब जा रही हूँ अंदर को। बाकी आज का मौसम हल्की सी धूप आई हुई है। जी चाचा जी गोबर ढूंढ रहे हैं और मैंने अपना ढूंढ लिया है। पहाड़ी करेली की सब्जी है, कल मैंने पानी भरने जाऊंगी करके मिता जी ने बनाया था बिना प्याज के लिए हम दोनों के लिए, बट सूतक हो गया है तो भूमि सूतक हुई है तो इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं गई आज। तो मिता जी को मैंने मनाया था दीदी को लेने लाल बाज जाओगे करके, तो ये भी जाने के लिए तैयार ही थे। उतने में दीदी टेम्पो में आज अब कहला मी उठा और खैर नाचो। अब टन छो गए? अब टन सीधी बस। मैं 12 बजे खाना खाने के लिए उठाऊंगी, ठीक फटाफट खटाखट नहीं जाएगी। चलो ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। तब तो मैं इतनी जगह खुश हूँ, तो मैंने पहले मिता जी के ना गैर में बिस्तर लगा दिया है क्योंकि आज सानी को दीदी देखेंगी और अपने मिता जी अपने सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। खबरदार मेरी दीजा अब मैं स्टंट पड़ सी जा। चाचा का खाना भी खाए थे इतने में ना मेरी दीदी और भैया परेशान कर दिया है। तो अब हम लोग नाश्ता करते हैं और इन लोगों ने खूब सारा प्यार कर दिया है इसको। आज सुबह से आए हैं इसी के सामने बैठे हैं। देखी थी मैंने 15 दिन बाद, ये आज 4 महीने इसका चल रहा है और मेरे से ये लोग बात तक नहीं कर रहे। मामू को आज क्या रहा है, पहले मामू डरता और हाँ डुगू पहले डरता था इसको पकड़ने में, आज खुश हो रहा है। और ये भी अच्छा लग रहा है मामू छानी से मिल के आपको। ये भी अपने मामू को ही देखिए, पता नहीं क्या देखी है ये बंडल। तो मेरे ताजी तो खा के सो गए हैं, तो मैं भी आज दीदी लोगों के साथ करूँगी नाश्ता। तो हम लोग यहीं पे नीचे में बैठे हैं, तो अंधेरा लाइट बंद कर रखी है। बाकी शानी वहाँ पे तैर रही है और मम्मी ने ना मेरे लिए घी दिया था 1 किलो घी। तो हम लोग अभी मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा गला बैठा है तो इनको ही खिलाती हूँ पहले। बाकी मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा घी बनाती है, तो धन्यवाद मम्मी जी का कि जमा करके मेरे लिए घी भेजा, क्योंकि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। गला चक्कर भी आ रहा था मेरे को, तो बोली थी खाएगी भी नहीं थोड़ा सर में डालना करके, क्योंकि सर में डाला भी बहुत ज़्यादा लगा है ये बिल्कुल पैक करके, बिल्कुल पीला वाला मस्त हो रखा है ये। वहाँ पर ना इगलती भर गई हवा नहीं चली थी बड़ी चाची के साथ, और हवा हमें इगलती थी ना ऐसी हाल हो रही और चक्कर भी आया था और घर में छाने के रो रो के ऐसे हाल होते थे। आज दीदी भी परेशान हो गई और ये मेरे को बोलती थी ना फोन में कि एक लड़की के होगी तो तेरे को भंड हो गया है। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई ना, गर्मी अभी तक नहीं निकली है। तो ना थोड़ा बैठ भी गए थे और शानी को नहला लूँगी, उसने भी कहा बहुत से ज़्यादा परेशान कर दिया। और यहाँ पे दीदी भी हो गई थी परेशान, मम्मी भी हाँ, तो भी ये इसकी मालिश कर दे रही है। और मेरा क्योंकि छोटी से भाई है यहाँ पे, तो शानी को भी नहला दिया है, तो इसको भूख लगा है तो इसमें बैठेगी। अब खाना खाना भी हो गया है, बाकी मिता जी भी अंदर सो रहे हैं क्योंकि कमरे में ज़्यादा गर्मी हो रही है और गैलरी में कम है और लाइट भी आ गई, तो काटा लगा के हम भाई बहन यहाँ पे लेटे हुए हैं। पता नहीं यार ये वाले कल अब कब आएंगे, वैसे तो कल यही है फिर परसों भी यही है। परसों जाएंगे तो सोमवार को जाओगे ना, फिर एक बेड तो हो ही रहा है है। बाकी अभी धूप गई हुई है और मौसम बादल बारिश आने का मौसम बन रहा है, आसमान में बादल लगे हुए हैं और चारों तरफ से अंधेरा हो रखा है। बाकी खेत तो मना हरियाली छाई हुई है, यहाँ को ना धान हो रखा है तो बढ़िया वाला लग रहा है। भैंस लेके आए हैं बाहर पे और वहाँ पे मेरी दीदी एंड मेरी बेबी बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे बड़े चाचा जी चाची जी भैंसों को पिला रहे हैं पानी।
कि वो वहाँ पर बैठ के आवाज़ लगा रहे हैं। रानी जी हैं, आवाज़ लगा रहे थे, पता नहीं क्या बोले, सुनाई तो नहीं दे रहा है। गाय को दूध लगा रहे वहाँ पर, छानों को लेके आ रही है क्योंकि कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब यहाँ तक भी गहक हो रही है। अब देखना ठंडी हवा आएगी, यहाँ भी देखना आ रही है। और छानो ना पसीने से पूरी लत पत हो रखी है, एसी में आ गए ना हम अभी ना 10 बजे के टाइम पे। बारिश आने के लिए चारों तरफ से अंधेरा हो रखा था, अब खुल गया है तो बारिश नहीं आई। शीशी मस्त वाली हवा चल रही है, बाकी बादल हादल लगे हुए हैं आसमान में। तो छत में आए थे कपड़े लेने के लिए, और आज मेरे साथ मेरा भैया और मेरी बीवी एंड बेबी भी आई है। और कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तब जाके हम थोड़ा सा बैठने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनका ना चैनल उड़ गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है, मजाक कर रही है। ये अभी अपना चैनल ऐसे वापस ला देगी। तो शाम के 6 बजने वाले हैं, आज शाम को ना पूरा दिन नहीं देखा था। तो कैसा लगा आज शाम के दिन? ठीक ही होता, बहुत बढ़िया। ये झूठ बोल रही है, ये शानू के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो भी 1 जीबी में, लेकिन इसने आज बहुत ज़्यादा दे दिया। मतलब मैं आज ऐसा लग रहा है 1 जीबी नेट ऐसे रह गया शानू को देखते देखते, ऐसा लग रहा है मेरे को मैं आज आ रही हूँ क्योंकि इसे बहुत देख लिया। फिर मैंने आराम आराम से अपना काम किया, और मेरा भाई भी बहुत देख रहा था शानू को। तो यहाँ पर ना डुगू को बहुत ज़्यादा बुखार आया है, 104 बता रखा है अभी डॉक्टर ने भी, मेहता जी को ना, मेहता जी ने ना इसको गाँव वाले हॉस्पिटल में ले गए, मतलब मेडिकल पे। तो 104 बुखार बता रखा है, तो गर्म पानी से और ठंडे पानी से सेकने के लिए बोला है पहले, फिर दवाई बाद में देना बोल रहे थे। और इतनी गर्म हो रहा है ना, ये मेहता जी पूरा गर्म हुए थे। तो मेहता जी यहाँ पर हो गए हैं ड्यूटी के लिए तैयार, और मेरे भाई को यहाँ बहुत ज़्यादा बुखार आया है, तब जाके ससुर जी ने ना ये गमछा भिगा के इसमें रख दिया है। और छानू भी आज बिना हल्ला के सो गई है, बाकी दीदी भी यहाँ पर सोने की तैयारी हो रही है। और इसकी उसने इतना टेंशन हो गया, फिर मेहता जी ने ना इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो दवाई से भी थोड़ा बुखार उतरा है। तो मतलब केक आया है, नाम नहीं पता उसका, क्या नाम है? तो हैप्पी बर्थडे छोटे बेटे को। तो मेहता जी भी गए अब ड्यूटी को, तो अभी ना भैया का बुखार भी थोड़ा कम हो गया है, और हमारा भी खाना वाना हो गया है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।